वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। अगर हम इंडियन फ्लैग की बात करें यानी तिरंगे की, तो ये हमारे भारत की शान और पहचान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत देश का जो तिरंगा है उसे आखिर किसने बनाया? इसे भारत के राष्ट्रीय तिरंगे के तौर पर कब मान्यता मिली? देश के शहीदों पर जो तिरंगे लपेटे जाते हैं, उस लपटे हुए तिरंगे का बाद में क्या होता है? साथ ही फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या है? आज हम आपको बताएंगे भारत के राष्ट्रीय तिरंगे से जुड़ी कई खास बातें जो कि शायद आपको पता नहीं होगी। भारत के राष्ट्रीय तिरंगे को पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। साल 1921 में पिंगली वेंकैया ने तिरंगे को बनाया था। हालांकि उस समय का तिरंगा आज के तिरंगे से थोड़ा अलग था। तब तिरंगे का रंग लाल, हरा और सफ़ेद था। वहीं साल 1931 में लाल तिरंगे की जगह केसरिया रंग जोड़ा गया। पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के थे और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था। कहा जाता है कि जब पिंगली वेंकैया ने तिरंगे का डिजाइन बनाया था, उस समय उनकी उम्र 45 साल थी। पहली बार कहां फहराया गया था भारतीय ध्वज? ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने से ठीक पहले 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। पहला भारतीय ध्वज 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था। भारत के राष्ट्रीय तिरंगे को खादी से बनाया जाता है। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग साहस और बलिदान का रूप माना जाता है। सफ़ेद रंग से सत्य, शांति और पवित्रता को दर्शाता है। ध्वज का हरा रंग समृद्धि से जुड़ा है। वहीं अशोक चक्र धर्म के नियमों को दर्शाता है। क्या होता है शहीदों के पार्थिव शरीर से उतरे तिरंगे का? साथ ही अब ये भी बता दें कि शहीदों के पार्थिव शरीर से उतारे गए झंडे को गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या नदी में जल समाधि दी जाती है। क्या है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया? अब आपको बताते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है क्या। नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में किए गए नए बदलाव पहले हाथ से बुना और कता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज फहराने की इजाज़त थी। लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहरा सकते हैं। साथ ही अब पॉलिस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। पहले किसी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थानों में तिरंगे को सूर्योदय से सूरज तक फहराने की आदत थी। रात के समय राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जा सकता था। लेकिन अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान दिन और रात तिरंगे फहरा सकते हैं, यानी 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति फ्लैग ऑफ इंडिया के तहत गलत तरीके से तिरंगा फहराता है तो उसे जेल भी हो सकती है और जेल का समय 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भारत में बेंगलोर से 420 किलोमीटर दूर स्थित हुबली सिर्फ एकमात्र ऐसा लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाना और सप्लाई करने का काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़।